एक ही रात में उज्जैन जावरा रोड के दो टोलों पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, मचाया आतंक। जी हम आपको बता दें, जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये उज्जैन जावरा रोड पर स्थित टोल नाके के हैं, जहां पर रात को असामाजिक तत्वों द्वारा फॉर्चूनर कार में आकर टोल कार्यालय एवं टोल बूथों पर तोड़फोड़ की गई। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने टोल पर स्थित वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। टोल प्रबंधक ने घटना की लिखित शिकायत की है। टोल प्रबंधक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये असामाजिक तत्व टोल पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। उज्जैन उन्हें लागदा को जोड़ने वाले टोल नाके पर पहले भी कई मर्तबा तोड़फोड़ की वारदात हो चुकी है, लेकिन जावरा पुलिस जब तक कोई कार्रवाई करती तब तक वहां बड़ी वारदात हो चुकी थी, और अब भी कोई बड़ी वारदात नहीं हो जाती तब तक लग रहा है कि पुलिस ध्यान नहीं दे रही, जिसका यह परिणाम है कि बदमाशों ने एक बार फिर हमला कर दिया। टोल कर्मियों का कहना है कि इस घटना में तथा कथित संगठन या कुछ बस मालिकों का हाथ हो सकता है, जो टोल पर आए दिन अपनी बसों को निशुल्क निकालते हैं और टोल का भुगतान नहीं करते हुए टोल पर दादागिरी करते हुए बसों को फ्री निकालते रहते। उक्त घटना की रिपोर्ट संबंधित थाना क्षेत्र में टोल कर्मियों द्वारा दर्ज करा दी गई है। पुलिस मौका मुआयना कर पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर रही है। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ आपके टोल पर? रात में 12 बजे मेरी शिफ्ट एंड हुई थी और मैं शिफ्टों का केस ले रहा था अंदर, और दूसरी शिफ्ट चालू हो गई थी वहाँ पे। तो जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि टोल पर हुई, जैसे बक्के गया वहाँ, तो करीब 4 गाड़ी थी और वहाँ पर टोल पर चालू थी, तो जैसे ही देखा उनके पास कोई लोहे के राड़ वाड़ जब जो भी थे सारे हथियार थे, इसलिए मैं वहाँ से बक्के निकल गया और फिर अंदर आए तो मैं तो मेरी जान बचा के बक्के। किस टोल पर घटना क्रम हुआ है? जावरा उज्जैन से होकर गुटोरा टोल पर हुआ, तो मैंने ऑलरेडी टाइम करा था, लेकिन वो कंपनी बक्के के बाद ही आई। आपको फिर अपने आदमी का बचाव कैसे करा? मैंने तो सर, मैं तो जैसे उनके हाथ में पुलिस जो पाइप वाइप वगैरह थे, तो मैं तो बच गया था यहाँ से, फिर जो भी अधिकारी थे उनको निकल कर दिया। जैसे घटना हुई है, कितनी देर तक घटनाक्रम चलता रहा? करीबन चले सर 45-40 मिनट तक ही चलते। कितनी गाड़ियाँ थी? करीब 4 गाड़ी थी और लगभग आदमी करीबन 15 से 20। सब हथियार से ले? सब के पास पाइप के लोहे थे और सबके पास लकड़ी वगैरह सारे थे। क्या नाम है आपका? राकेश बेराई। ये टोल का क्या नाम है? जावरा बुतेड़ा टोल टैक्स। क्या घटनाक्रम होता है आपका? सर, रात को हमारी शिफ्ट चल रही थी, वो एंड होने के बाद जब हम वापस डबल शिफ्ट हो रही थी हमारी, हम वहाँ पे गए, शिफ्ट ओपन होने के बाद वहाँ पे देखो तो 3 से 4 गाड़ी आई और एक 3 नंबर लाइन पर खड़ी रही और 2 गाड़ी 4 लाइन पर खड़ी रही। उसके बाद वो गाड़ी आई, जैसे आते ही उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। समय क्या था उस समय? सर करीबन 12:30 बजे। कितनी गाड़ियाँ थी? 4 गाड़ी। उसके बाद में क्या हुआ? तोड़फोड़ डायरेक्ट मारापीटी चालू कर दी उन्होंने? हाँ सर, वो तोड़फोड़ करना चालू कर दी थी उन्होंने। आपने हमने डायरेक्ट करा? हाँ, उसके बाद वो करीबन आधे घंटे तक तोड़फोड़ करी ऑफिस की तरफ, इधर भी तोड़फोड़ करी ये एम्बुलेंस के पास। आपने हमने डायल करी तो गाड़ी नहीं थी? गाड़ी लेट आई थी सर। कितने घंटे? करीबन आधा घंटा लेट आई। रात में भी सूचना आई थी और यही कि कुछ ये आवेदन जो दिया है इन्होंने, 8-10 लोग आए और वहाँ पे बिना कुछ बात किए तोड़फोड़ किए है वहाँ पे टोल पे। इस संबंध में आवेदन दिया है इन्होंने और इसकी जांच करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, ये इसमें कुछ वीडियो फुटेज भी आए जिसमें कुछ चेहरे नकाबपोश हैं और कुछ खुले में चेहरे भी दिख रहे, तो उनकी शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई है? हाँ, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और वहाँ पे जो उपकरण है इनके टोल प्लाजा पे जो उपकरण रहते हैं उनमें भी भारी तोड़फोड़ करी है। सर, ये भुतड़ा टोल जो है इसमें पहला मामला नहीं सर? इस तरह के मामले होते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, पहले भी जब भी ये टोल चेंज होता है तो किसी को जो है सहूलियत चाहिए और वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मौकों पे ये लोग जो असामाजिक तत्व है इस टाइप की घटना करते हैं और इसकी हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्ती करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसमें सर क्या ठोस कदम उठाएगी?
हम इस पे FIR करेंगे और चेहरे शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।